हूँ सुयश और आज हम बनाने वाले हैं पनीर टिक्का बिरयानी। बिरयानी अपने आप में एक बहुत ही रिच डिश मानी जाती है, उसमें पनीर टिक्का ऐड कीजिए और बढ़िया रिच डिश बन जाएगी। पनीर टिक्का की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको पूरी रेसिपी मिल जाएगी। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज जो नीचे रेड बटन उसपे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही एक बेल आइकन उसपे क्लिक कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आए और आप वीडियो देख सके। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पनीर टिक्का बिरयानी बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। मैंने 1.5 कप चावल वॉश करके सो करके ऑलरेडी रखा है। इसके साथ में हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इसी से हम फ्राइड अनियन बनाएंगे और बिरयानी में भी इस्तेमाल करेंगे। साथ में हमें चाहिए 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून शाह जीरा और साथ में खड़े मसाले बे लीफ, सिनेमन और एक मोटी इलायची। साथ ही जब चावल उबालेंगे उसमें हमें चाहिए तेजपत्ता, सिनेमन, मोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च। इसके अलावा हमें 1/4 कप ल्यूकवॉर्म दूध चाहिए, जिसमें मैंने 1 चुटकी केसर डाल के रखा है। साथ ही हमें चाहिए पनीर टिक्का जो कि मैंने ऑलरेडी बना लिया था और 2 हरी मिर्च बिरयानी में डालने के लिए। तो चलिए रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो प्याज को हम सबसे पहले काट लेंगे, हम इसको स्लाइस करके काटेंगे पतला पतला जूलियन स्टाइल में, और उसमें से ही हम फिर थोड़ा सा प्याज फ्राई करने के लिए अलग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम अनियन फ्राई करके रख लेते हैं। उसके लिए आप छोटा पैन में ऑयल लीजिए और ऑयल को हीट अप करिए। ऑयल जब हीट अप हो जाए उसमें आप प्याज डालिए और उसको अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक उसको फ्राई होने दीजिए। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, प्याज जो डिज़ायर्ड आपको कलर है उससे 1 या 2 कलर जब हल्का होना ब्राउन तभी निकाल लें, क्योंकि निकालने के बाद भी उसमें कुकिंग चलती रहती है अपनी ही हीट में। अब चावल उबालने के लिए एक बड़े पैन में कम से कम 6 कप पानी लीजिए और उसमें जो सारे खड़े मसाले थे वो ऐड कर दीजिए। साथ ही इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दीजिए और उसको ढक दीजिए ताकि इसमें पानी में बॉईल भी जल्दी आ जाए और फ्लेवर सारे इन्फ्यूज़ हो जाएं। एक बार जब पानी में बॉईल आ जाएगा हम इसमें अपने जो सोक्ड चावल हैं वो डालेंगे और उसको ढक के अगेन 5-7 मिनट पकने देंगे जब तक चावल पार बॉयल ना हो जाए। पार बॉयल इसलिए क्योंकि बाकी कुकिंग उसकी मसाले के साथ होती है राइस की। जब पार बॉयल हो जाए इसमें से हम अपने जितने भी खड़े मसाले हटा सकते हैं वो हटा लेंगे, क्योंकि फ्लेवर अच्छा लगता है, मुंह में आते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। यह हटाने के बाद चावलों को हम छान के एक साइड में अलग से रख लेंगे। चावल हमारे बॉयल हो गए हैं तो मेन मसाला भी प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए एक बड़ा पैन लीजिए, उसमें 1 चम्मच देसी घी डालिए। घी में कंजूसी मत कीजिएगा, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है घी से। जब घी गर्म हो जाए उसमें आप डालिए तेजपत्ता, दालचीनी, मोटी इलायची, शाहजीरा और जीरा। शाहजीरा से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब इन मसालों को हल्का सा पकाइए जब तक उनकी खुशबू ना आ जाए। इसके बाद हम इसमें ग्रीन चिली डालेंगे स्लिट करी हुई, साथ ही डालेंगे प्याज और प्याज को हम लोग पकाएंगे उसके गोल्डन ब्राउन होने तक, ट्रांसलूसेंट होने तक। फिर इसके बाद हम इसमें अपना पनीर टिक्का डाल देंगे जो हमने बना के ऑलरेडी रखा हुआ था, और साथ ही डालेंगे, मैं मैरिनेटेड दही यूज़ कर रहा हूँ, आप फ्रेश दही भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास दही बचा हुआ था मैरिनेशन वाला तो मैंने वही यूज़ कर लिया है, फ्लेवर उससे एनहांस आएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और 1 से 2 मिनट ढक के पका लीजिए। मसाला जब पक जाएगा उस पर हम चावल की लेयर डालेंगे, साथ ही में हम सैफ्रन वाला मिल्क भी डाल देंगे और जो फ्राइड अनियन थी उसकी एक लेयर लगाएंगे। और हाँ, 1 चम्मच देसी घी फिर से, और ऊपर से घी डालने में कंजूसी ना करें। इसके बाद ढक के बिरयानी को कम से कम 10 मिनट लो फ्लेम पे पकने देंगे, जो चावलों में कच्चापन था वो भी कंप्लीट हो जाएगा और फ्लेवर्स भी बिरयानी में सारे आ जाएंगे। तो देखिए 10 मिनट बाद बिरयानी हमारी बढ़िया से पक गई है, चावल जो कच्चे थे वो भी पक गए हैं। नीचे के लेयर निकाल के देखते हैं, देखिए क्या बढ़िया कलर आ रहा है पनीर टिक्का का, मसाले का क्या बढ़िया वो वाइट चावल के साथ मिक्स हो रहा है। तो चलिए फटाफट बिरयानी की ना प्लेटिंग करते हैं फिर खाते हैं।
दोस्तों ये थी हमारी पनीर टिक्का बिरयानी की रेसिपी। फटाफट आप इसको ट्राई कीजिए और फिर अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर कीजिए। आई एम श्योर आपको फ्लेवर्स बहुत बढ़िया लगेंगे, रेसिपी पसंद आएगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फिर से बता दूं, रेड बटन पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू।